कौन है मीडिया का राजा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट ओशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे माफिया की जो ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल माफिया था, बल्कि उसने लोगों के मन में मॉब बॉसेस की जो छवि बनाई है उसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पॉल कैस्टिलानो और डेला क्रोस के बीच रिफ्ट शुरू हो जाती है। उसे ना सिर्फ कैस्टिलानो को जेल भेजना था, बल्कि उसे फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए था। 1985 में डेला क्रोस की कैंसर से मौत हो जाती है, जिसके बाद कैस्टिलानो अपने प्रॉमिस को भूल जाता है और टॉमी बेलोटी को अंडर बॉस बना देता है और वो गोटी और उसके गैंग को फैमिली से बाहर कर देता है। 2 हफ्ते बाद गोटी इसका फुल फोर्स के साथ रिप्लाई करता है। कैस्टिलानो और बेलोटी जब डिनर के लिए जा रहे होते हैं तो जॉन गोटी 12 लोगों की गैंग के साथ वहां उसका इंतजार कर रहा था, और जैसे ही कैस्टिलानो और बेलोटी अपनी कार से निकले सभी ने उन्हें शूट कर दिया और शूटर्स वहां से भाग गए और बॉस अब मर चुका था। इस असैसिनेशन से जनता शॉक तो थी ही, पर उतनी ही खुश भी थी। मीडिया में हर तरफ कहानियां बनने लगी थी कि ये असैसिनेशन जॉन गोटी का ही प्लान था ताकि वो गैमिनो क्राइम फैमिली का हेड बन सके। जॉन गोटी भी इस अटेंशन को बहुत एंजॉय कर रहा था। गिगेंटे गोटी को गैम्बिनो फैमिली का नया बॉस मानने के लिए तैयार हो गया था और गोटी का शासन शुरू हो जाता है। काफी समय तक गैम्बिनो फैमिली की गद्दी संभालने के बावजूद वो परेशान रहता था, क्योंकि उसके ऊपर कई सारे सीरियस केसेस चल रहे थे जिसके लिए उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। जेल में अपनी सजा काटते वक्त 1998 में उसे थ्रोट कैंसर हो जाता है, जिसके बाद उसे यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल सेंटर फॉर फेडरल प्रिजनर्स इन स्प्रिंगफील्ड मिसौरी भेज दिया जाता है, जहां उसकी सर्जरी हो जाती है। ट्यूमर तो रिमूव कर दिया था, लेकिन 2 साल बाद उसका कैंसर वापस आ जाता है और उसे दोबारा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। गोटी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद 10 जून 2002 को 61 ईयर में उसकी मौत हो जाती है। जॉन गोटी एक ऐसा माफिया था जिसने जनता के साथ साथ मीडिया को भी अपना दीवाना बना लिया था। KGF 3 की स्टोरी में भी ऐसे ही माफिया की कहानी होगी, तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और उम्मीद है अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।